हीरो स्प्लेंडर बाइक का फ्रंट व्हील है, फ्रंट चक्का है और इसका हम बेयरिंग निकाल रहे थे तो ये बेयरिंग टूट गया। ये बीच में से जो छर्रा होता है, इसका जो बुश होता है, ये बीच वाला हिस्सा, ये टूट गया है और हमें इस ये जो कॉलर है दोस्तों, इसके अंदर कॉलर लगा हुआ है। जैसा कि एक बेयरिंग देख पा रहे हैं, ये एक बेयरिंग निकल गया है उस टाइप, उधर का जो ड्रम साइड में होता है ये बेयरिंग निकल चुका है और इधर का जो हमें निकालना था तो ये देख सकते हैं कि बीच वाला हिस्सा ये टूट गया और ये साइड वाला जो कॉलर है ये इसके अंदर जाम पड़ा हुआ है। अब इसे कैसे निकालेंगे? अगर हम उधर से कोई एक्सल लगाते हैं, उधर से कोई अगर एक्सल लगाएंगे तो इसके अंदर आते नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं बनता है, क्योंकि बीच में जो होता है दोस्तों, बीच में देखिए, इस बीच में एक कॉलर बना हुआ है और इसी के वजह से इस बेयरिंग के कॉलर में हमारा एक्सल सपोर्ट नहीं करता है और हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो निकालने का तरीका दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैंने कई बार निकाला, मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो इस तरह के लाऊँ आप सभी के लिए, पर मुझे आज याद आया कि नहीं, ये वीडियो आज बनानी ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इस टायर को हमें इस तरीके से रखना है रिम को, और ये देख सकते हैं ये बेयरिंग है, बेयरिंग का ये कॉलर है, बगल वाला साइड वाला जो बाहर वाला कॉलर होता है ये वही कॉलर है। जब तक हम इसे निकालेंगे नहीं तो दूसरा बेयरिंग हम नहीं लगा सकते। अगर हम उधर से लगाना चाहेंगे, अगर हम इससे उधर से खोलना चाहेंगे कोई भी एक्सल से, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बीच में अंदर में भी एक कॉलर दिया हुआ होता है, ठीक। तो उसके वजह से इस पर कोई भी एक्सल आता नहीं है और हम इसे खोल नहीं पाते। तो ऐसे हालात में दोस्तों हम क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ हमें इस तरीके से करना है कि हमें इस तरह का कोई एक एक्सल लेना है, जैसे हमारे पास ये टायर लीवर है जो गाड़ियों का इसका टायर खोलते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से हम लगाएंगे और इसको हम ऐसे चाड़ेंगे। ये देखिए ये हमें इस तरीके से लगाना है, देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमें इस एक्सल को हमें यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगा के हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने इस तरीके से लगाया और एक हाथ से हमें इस टायर को पकड़ना है और दूसरे हाथ से हम इसको अंदर की ओर, इसको अंदर की ओर हम दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इधर से एक एक्सल लेंगे। ये देखिए हमारे पास दूसरा एक्सल इधर से है और हम इसके ऊपर चोट मारेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, हमें उस एक्सल के ऊपर इधर से एक एक्सल लगाना है, इधर से थोड़ी से हमें चोट मारना है और फिर ये इस तरीके से निकल जाती है। हमने कई बार इसी तरीके से निकाला है, सारे मैकेनिक लोग इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर इधर का टूट जाता है इस साइड का, तो फिर हम आसानी से थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं, बिना कुछ जुगाड़ किए हम डायरेक्ट उसी एक्सल से निकाल लेते हैं इधर का अगर होता है तो, लेकिन उस साइड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है निकालने में। तो चलो मैं इसे ऐसे ही निकालता हूँ। तो ये मैं इस तरीके से लगाता हूँ और इस पर चोट मारूँगा। क्या
दोस्तों देखिए ये निकल चुका है बाहर। तो इसी तरीके से हमें निकालना होता है। और कई बार बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम इसमें वेल्डिंग कराएंगे, कोई ऐसा जुगाड़ करेंगे जो उधर से हमारा एक्सल इसके बीच में आ सके और हम आसानी से खोल सके। लेकिन आसान तरीका दोस्तों यही है, इससे ज़्यादा आसान कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।